जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि माता रानी के लिए चने का प्रसाद और हलवा कैसे बनाएं। ये दोनों बहुत ही स्वादिष्ट बहुत बनेंगे, आसान आसान तरीका मैं आपका आपको बताने जा रही हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनेंगी ये दोनों चीज़ें। तो चलिए माता रानी का प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने 250 ग्राम काले चने ले लिए हैं, जिनको हमने 6 से 7 घंटे पहले अच्छे से वॉश कर पानी में सोक करने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको कुकर में ले लेते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास के लगभग पानी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड कर देंगे और एक बार स्पून से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको एक सीटी आने के लिए फ्लेम पर रख देते हैं। तो ये रख दिया है मैंने फ्लेम पर, एक सीटी आने का वेट कर लेते हैं। तो बस एक सीटी आ गई है, अब हम कुकर को ठंडा होने देंगे, और जब तक कुकर ठंडा होगा तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं चने के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, जीरे को स्प्लटर होने देंगे। फिर हम 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे सारी चीजों को। फिर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी है मैंने, वो ऐड कर देंगे। मिक्स कर देते हैं एक बार। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 1/2 यानी 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर देंगे, और हमको सारे मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ देता है। और जब तक मसाले भुन रहे हैं हम चने चेक कर लेते हैं। कुकर ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं चने बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो चने में हम 1/4 कप के लगभग पानी रहने देंगे और बाकी सारा पानी ड्रेन कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, मसाला भी भुन गया है हमारा। बस अब हम मसाले में चने ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ, पहले भी हम नमक ऐड कर चुके हैं, तो आप नमक सावधानी से डालें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के लगभग गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर देंगे और ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि सारा पानी नहीं सूख जाता है, और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने चनों को पका लिया है, इनका सारा पानी सूख गया है, चने बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए बन गए हैं ना, बहुत ही बढ़िया चने, कि दिखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के बाद हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो हमारे बहुत ही टेस्टी काले चने बनकर तैयार हैं। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन को ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप देसी घी, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप रवा यानी कि सूजी। माता रानी के लिए भोग के लिए सूजी का हलवा ही बनाया जाता है, और देसी घी में ही बनाया जाता है, डालडे वगैरह में आप इसको बिल्कुल ना बनाएं। तो मैंने इसमें 1/2 कप रवा ऐड कर दिया। अब इसको हम भून लेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। गैस की फ्लेम को आप लो मीडियम रखें, बीच बीच में गैस की फ्लेम का ध्यान रखें कि आपकी जो सूजी है वो जले ना, नहीं तो हलवे का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जो रवा है वो अच्छे से भुन चुका है, और हर रवा मैंने लिया था 1/2 कप, तो इसका 3 गुना पानी हम हलवे में ऐड करेंगे, इससे हलवा एकदम सॉफ्ट बनेगा।
तो यहाँ मैंने उसी आधे कप से मेज़रमेंट 3 बार कर लिया है, तो 1.5 कप के बराबर पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। स्टीम बहुत उड़ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लिड लगा लिया था ताकि जो स्टीम है वो मोबाइल कैमरे पर ना जाए। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास केसर है, आप केसर डालना चाहें तो केसर को दूध में भिगो लें थोड़ी देर, या फिर आप फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास केसर नहीं है। तो यहाँ मैं फूड कलर का ही यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। फूड कलर मैंने पानी में घोल कर ऐड कर दिया। अब ये जो रवा है अच्छे से फूल जाए, सूजी सारा पानी सोख ले तब तक हम इसको पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो ये देखिए रवा एकदम ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देते हैं। तो जितना हमने रवा लिया है हलवा बनाने के लिए उतनी ही हम सूजी लेंगे। तो यहाँ मैंने सूजी भी रवे के बराबर यानी कि आधा कप ली है, और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शक्कर अच्छे से मेल्ट होके हलवा बढ़िया सा सॉफ्ट सा रेडी हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए। तो बस दोस्तों हलवा बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हों, पिस्ता कतरन, बादाम कतरन, किशमिश, काजू, जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से माता रानी के लिए हलवा ज़रूर बनाएं। और दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़ अपने चैनल पर लाती रहती हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारियों के साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी।